कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। घरों में गृहिणी रोज दूध उबालने के दौरान उसके उफन कर गिर जाने से परेशान रहती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर महीप सिंह ने एक समाधान ढूंढ निकाला है। डॉक्टर महीप सिंह का यह आविष्कार करोड़ों महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। गैस के चूल्हे के आगे खड़े होकर टकटकी लगाकर दूध गर्म करने की समस्या से उन्होंने निजात दिलाई है। इस कीमती समय को महिलाएं अपने और परिवार के जरूरी काम के लिए बचा सकती हैं। गर्म करते वक्त दूध बहने की अपशगुन की भी चिंता अब दूर हो जाएगी। इस आविष्कार का प्रोफेसर महीप सिंह ने पेटेंट करा लिया है। ITS कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर महीप ने 15 से 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मिल्क कंट्रोल यूनिट तैयार की है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। टॉप यूनिट बर्तन के ऊपर रखी जाती है जिसमें दूध उबाला जाता है। इसमें दोनों ओर स्टील के स्टैंड भी लगे होते हैं जो यूनिट को बर्तन के ऊपर स्थिर रखते हैं। स्टील की दो रॉड 9 और 4 सेंटीमीटर की है। ये दोनों सेंसर से जुड़ी होती है। एक ऑन बटन भी लगाया गया है। कंट्रोल यूनिट में टाइमर कंट्रोल नाव व वैक्यूम बटन दिया गया है। वैक्यूम बटन की मदद से इसे चूल्हे की नाव के साथ कंट्रोल किया जाता है, यानी कनेक्ट किया जाता है। कंट्रोल यूनिट का नॉब चूल्हे का नॉब से ऊपर होता है, तो यूनिट के बटन को ऑन करके इसे बर्तन के ऊपर रखा जाता है। कंट्रोल यूनिट में टाइमर सेट किया जाता है। जैसे ही दूध उबलाता है, सतह पर छूने वाली रॉड से सेंसर तक संदेश आता है। ये संदेश ट्रांसमीटर के जरिए कंट्रोल यूनिट के रिसीवर तक पहुंचता है। संदेश मिलते ही कंट्रोल यूनिट सेटिंग के अनुसार गैस नॉब को धीमा या बंद कर देता है, जिससे दूध उफन कर अपने बर्तन से बाहर नहीं जाता और दूध भी पूरी तरीके से उबल जाता है। इस डिवाइस के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ तैयार साथ हैं डॉक्टर महीप जी। महीप जी, इस डिवाइस के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। अंशुमन जी, ये एक ऐसी समस्या है जो कि मैं बचपन से देखता आया हूँ। और मतलब होता यही है कि हर, अगर मैं 10 बार की बात करूँ, 10 बार में 2-3 बार ऐसा होता है कि ये दूध गिरता ही स्पिल हो ही जाता है। अच्छा, मार्केट में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी की सारी अभी दूध उबलने को लेके इंडिकेट करती हैं, वो अलार्म बजाती हैं, लेकिन दूध को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो दूध का उबलना या दूध का गिरना सिर्फ दूध के लॉस की समस्या नहीं है, ये हाइजीन इश्यू भी क्रिएट करता है, ये हजार्डस भी है और ये बहुत सारी और भी समस्याएं लेके आता है साथ में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि दूध को इंडिकेट तो करता ही करता है जब उबलने वाला होता है, साथ में वो कंट्रोल भी करता है नॉब को, गैस के नॉब को। उसको थोड़ा बताइए किस तरीके से करता है उसको। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों चीज़ें। ये एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टॉप यूनिट, जो कि हम दूध के किसी पैन के ऊपर रखते हैं। इसमें फ्लैक्सिबल क्लैम्प्स लगे हुए हैं जिनको हम अनफोल्ड करके किसी भी पैन के ऊपर रख सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। अब इसमें दो सेंसर्स हैं। अब इन दो सेंसर्स में एक लॉन्ग सेंसर, एक शॉर्ट सेंसर है, दोनों स्टील के बने हुए हैं, थर्मोकपल्स। इनमें से एक दूध को टच कर रहा होता है, अगर टच कर रहा है वेल एंड गुड, बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर नहीं टच कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है सेकेंड स्टेज सिक्योरिटी सेंसर। अब इसमें, इस पूरे डिवाइस में बताता हूँ इस टॉप यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। टॉप यूनिट में ऑन ऑफ स्विच है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑन ऑफ स्विच है, एक टेम्परेचर इंडिकेटर है और एक मोबाइल चार्जिंग का इंटरफेस है। इसके अलावा इसके लोअर यूनिट में एक पेल्टियर मॉड्यूल लगा है जो कि वेसल के हीटिंग को यूटिलाइज करके इसके अंदर के सेल को चार्ज करता है ऑटोमेटिकली। तो इसको हमें चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक बार ये फुल चार्ज्ड है तो ये लगभग 80 दिन तक, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग 80 डेज तक इसको हमें दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके भाप से ही चार्ज करता रहेगा, आपको अलग से डिवाइस को चार्जिंग के लिए नहीं, जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो भाप है, भाप में जो हीट है, उस हीट को यूटिलाइज करके ये चार्ज करता रहता है। तो इसको मैंने टॉप यूनिट नाम दिया है, इसको हमने टॉप पे रख दिया। अब इसके बाद यहाँ से जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो हमारी कंट्रोल यूनिट में जाता है। ये कंट्रोल यूनिट है जी, ये कंट्रोल यूनिट है जो कि किसी गैस के नॉब के ऊपर लगा के हम उस प्लेटफॉर्म पे इसको वैक्यूम का यूज करके चिपका देते हैं। जैसे गैस के जो नॉब होती है वो इसमें फिक्स हो जाएगी जी, और ये गैस पर आप इसको सेट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे हीट होगा
उसके बाद आप इसको टेम्परेचर को किस तरीके से सेट करते हैं उसके बाद? मैं एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। हमने इस नॉब होल्डर का डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि यूनिवर्सली कोई भी नॉब जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो सारे नॉब इसमें फिट हो जाएंगे, छोटे या बड़े, राइट। एक बार फिट करने के बाद फिर हमने इसको क्लैम्प कर दिया। ये वैक्यूम का सक्शन यूज़ करके क्लैम्प हो जाता है साइड वाले जो वर्टिकल कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पे। अब ये वहाँ पे फिक्स हो गया। इसके बाद हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन करते ही यहाँ पे इंडिकेटर जल जाएगा। और साथ में इसमें दो मोड्स हैं, एक है गैस ऑफ मोड और दूसरा है सिम मोड। जो गैस ऑफ मोड है उस पर अगर हमने टाइमर को सेट कर दिया तो जैसे ही दूध उबलने वाला होगा या उबल रहा होगा ये इमीडिएटली गैस को बंद कर देगा। अगर हमने इस मोड को सिम मोड पे सेट कर दिया तो जैसे हम लोगों के घर में कल्चर है कि दूध को इमीडिएटली बॉयल करने के बाद बंद नहीं करते, कुछ देर तक उसको और बॉयल करते हैं, कुछ देर तक उबालते हैं 10-15 मिनट तक, इसके बाद बंद करते हैं। तो हमने सिम मोड पे इसको सेलेक्ट किया। सिम मोड में टाइमर दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 मिनट से स्टार्ट होता है, 125 मिनट तक का टाइमर है। हम बीच में किसी भी टाइमर पे इसको सेट कर सकते हैं। सपोज हमने 25 मिनट पे इसको सेट कर दिया, अब क्या होगा, अब जैसे ही दूध उबलने वाला होगा, अभी तो अपनी गैस फुल फ्लेम पे है, जैसे दूध उबलने वाला होगा ये इमीडिएटली सिम पे कर देगा और सिम पे अगले आने वाले 25 मिनट तक ये सिम पे रहेगा। 25 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसमें ये सिस्टम है। ओके जी, यानी कि जो दूध उबाल होगा उबालते ही आपके इस पर टेम्परेचर को शो करेगा और उसी हिसाब से ये एक्शन मोड में आ जाता है और गैस को बंद कर देता है। तो इसको आपको बनाने में कितना समय लगा और इसमें कितना खर्चा हुआ और क्या आपने इसका पेटेंट कराया है? जी देखिए, कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो हमें ये समझने में बस टाइम लगा कि इसका हमें सलूशन कैसे ढूंढना है। और इसको बनाने में तकरीबन हफ्ते भर या मैक्सिमम 10 दिन का टाइम लगा था। और ये सारा का सारा डिज़ाइन हमारे ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हुआ है। यहाँ का हमने 3D प्रिंटर यूज़ किया है, यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने यहीं की यूज़ की हैं। और 10 दिन के अंदर अंदर हमने इसको बना दिया और हाँ, हमने इसका पेटेंट करवा लिया है, हमने इसका पेटेंट फाइल कर दिया। सर, आप इसको पेटेंट के साथ साथ आप इसका अगर प्राइस की बात करें तो कितना मार्केट में आप कितनी प्राइस मनी रखना चाहेंगे इसकी? जी अंशुमन जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। प्राइस एक बड़ा फैक्टर है किसी भी डोमेस्टिक के लिए। तो प्राइस का हमने जो सोचा है, अभी तो चूंकि ये प्रोटोटाइप है तो प्रोटोटाइप बनाने में तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो इसको बनाने में तकरीबन 3-4 हज़ार के आसपास खर्चा आया। लेकिन मार्केट में अगर ये आएगा और जब बल्क में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड प्राइस तकरीबन 500-700 रुपये के आसपास ही आएगा दोनों यूनिट्स का। कुल 500 से 700 एक्सपेक्टेड इस खर्चे में ही आपके जो श्रीमती जी हैं वो आपसे खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी सरदर्दी आप उनको ला कर, उनको ये डिवाइस देकर उनकी सरदर्दी ख़त्म कर रहे हैं। अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।